दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत 2.2 के अंतर्गत सभी अम्लों एवं क्षारों में क्या समानता है क्रियाकलाप 2.8 के माध्यम से समझेंगे और करेंगे। तो क्रियाकलाप 2.8 क्या कह रहा है? ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर दो कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अगला कह रहा है, कीलों में 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब का स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु या सीएल डालकर धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया में तनु H2SO4 के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? तो इस क्रियाकलाप को हम समझेंगे। ये क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज हम लेंगे C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज लेंगे, एल्कोहल लेंगे, मेथिल एल्कोहल होता है C2H5, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये हमारा क्या है? एथिल एल्कोहल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा यह Cl होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। तो यह क्रियाकलाप एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है और इस क्रियाकलाप को हम थोड़ा सा प्रयोग करके आपको बताना चाह रहे हैं। इस प्रयोग के माध्यम से आप क्रियाकलाप को करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, गिलास ले लेंगे और गिलास में क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं। और इस तरह से दो क्या लेंगे, एक गत्ता लेंगे, इसके ऊपर दो काटी लगा देंगे, कीली लगा देंगे, ये बड़ी बड़ी ऐसे लगा देंगे और इसमें एक बल्ब लगा देंगे। ये जो छोटा सा बल्ब आप देख रहे हैं, इस तरह बल्ब लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इस गिलास में इस तरह से जिस तरह प्रयोग में दिया गया है बीकर, और बीकर के स्थान पर हम गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ कार्क दिया गया है, कार्क के स्थान पर गत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और प्रोजेक्ट में एक बार क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, यानी अलग अलग प्रकार का विलयन लेंगे और प्रयोग करके देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट घर बना करके और इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस प्रयोग के माध्यम से एक क्रियाकलाप को समझते हैं। क्रियाकलाप को हमको समझना क्या है, अम्लों एवं क्षारों में क्या समानता है, यानी अम्ल और क्षार में क्या समानता है, इस प्रयोग के माध्यम से हमको समझना है। तो हमने क्या किया था, इस किताब में दिया गया है, एक हमने बीकर लिया है, किताब के हिसाब से आपको प्रयोग बता रहे हैं। एक हमने क्या लिया है, बीकर लिया है, और क्या किया गया है बीकर में, एक बीकर लीजिए, कार्क पर दो कीले लगाइए। यहाँ एक हमको लकड़ी का टुकड़ा लेना है, इस पे दो कीले लगाना है, एक कील ये और एक कील यहाँ, दूसरी कील लगानी है। इस तरह कार्क है, ये हमारा क्या है, कार्क कार्क है, और इसमें दो कील लगाना है, कील है, कीलें लगानी है। उसके बाद क्या करना है, इसमें 100 ml पानी, 100 ml का बीकर, सॉरी ये बीकर कितने ml का है, वो 100 ml का बीकर हो, ml का ये बीकर हो, कितना बीकर, ये 100 ml का बीकर हो। और क्या कह रहा है, इन कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल के साथ इसको क्या करेंगे, इस टर्मिनल को क्या करेंगे, इस तरह टर्मिनल होता है, टर्मिनल का चित्र ऐसे होता है, इस टर्मिनल को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें, किससे जोड़ेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। छोटा का होता है इधर, बड़ा होता है धन की तरफ, बड़ा और ऋण की तरफ, और इसके बीच में क्या लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ये बल्ब लगा, जिस तरह से हमने अभी आपको दिखाया था, इसमें एक बल्ब लगा है, इस तरह से एक बल्ब लगा देंगे, ये बल्ब लगा देंगे और ये दो कीले लगा देंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, टर्मिनल के साथ बल्ब के साथ स्विच लगा देंगे, एक स्विच भी लगा देंगे, हाँ एक हम क्या करेंगे, स्विच भी लगा देंगे जो सर्किट को जोड़ती और काटती, स्विच का काम होता है सर्किट को जोड़ना और काटना, ये हमका हमारा हो गया स्विच, ये हमारा क्या हो गया, स्विच लगा देंगे, स्विच, ये स्विच लग गया, और ये हमारा बल्ब है, ये हमारा क्या है, बल्ब है,
ये बल्ब है, इस तरह से एक बल्ब लगा देंगे, और ये क्या है, बैटरी है, ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारा क्या है, बैटरी है, ये बल्ब है और ये बैटरी, बैटरी है, इस तरह से हम बल्ब लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया क्रियाकलाप का। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, क्रियाकलाप कह रहा है अब बीकर में थोड़ा सा HCl डालकर धारा प्रवाहित कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इसमें बीकर में थोड़ा सा, जिससे टर्मिनल क्या हो, डूब जाए, इतना इतना HCl डालेंगे, कम से कम ये जो हमारा टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रोड है, ये कीले हैं, ये टर्मिनल है, टर्मिनल क्या हो जाए, डूब जाए, तो इसमें कौन सा HCl डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धारा प्रवाहित करेंगे, और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, उसके बाद ये प्रश्न में ग्लूकोज डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्कोहल डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो इस तरह से इस प्रयोग को हम करेंगे। तो आगे कह रहा है प्रश्न हमारा, प्रयोग कह रहा है आपने क्या परीक्षण किया, तो परीक्षण इसमें क्या करना है, जब हम इसमें अशुद्ध जल जल डालेंगे, यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे यानी अम्ल डालेंगे, तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा, इसको हमको लिखेंगे अम्ल के साथ क्या होगा, यदि बीकर में अम्ल डाला जाता है तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, जलेगा यानी धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी होगी। और यदि इसमें हम क्या रखेंगे, यदि पानी रखेंगे, शुद्ध पानी H2O यानी शुद्ध पानी शुद्ध रहेगा, यानी डिस्टल वाटर रहेगा, शुद्ध पानी रहेगा, तो क्या होगा, शुद्ध पानी रहेगा तो धारा नहीं बहेगी, और क्या होगा, ग्लूकोज के साथ धारा नहीं बहेगी, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, और एल्कोहल के साथ, यदि हम प्रयोग को एल्कोहल के साथ करेंगे, यानी एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, ये क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल के साथ यदि करेंगे तो धारा धारा नहीं बहेगी, सॉरी धारा नहीं बहेगी, इसमें करंट नहीं बहेगी, क्योंकि ये क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये जो हमारा अम्ल है, ये क्या है, विद्युत का प्रवाह होता है, अम्ल में विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन शुद्ध जल में, एल्कोहल में, और जो है शुगर में, ग्लूकोज में, इसमें धारा नहीं बहती है, ये विद्युत का कुचालक है, क्योंकि ये इसमें धन आयन बहता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोला जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, H+ आयन बन जाता है, H+ आयन क्या होता है, H+ आयन के कारण होता है, H+ आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश धन आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके कारण से इस परिपथ में, इस बीकर में धारा बहती है, लेकिन क्या होता है, शुद्ध जल में यह चायन नहीं बनता है, और ये जो है यह चायन और वो यह चायन बराबर बनता है, यानी यह चायन -+ नहीं बनता, इसलिए इसमें धारा नहीं बहेगी। अब प्रश्न कह रहा है अम्लों तथा क्षारों के साथ समानता क्या, यदि हम क्षार का भी प्रयोग करते हैं, जिस तरह से अम्ल के साथ प्रयोग किया जाता है, एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो धारा बहती है, यदि क्षारों के साथ यह प्रयोग किया जाएगा, यदि आप प्रयोग क्षार के साथ करते हैं, जैसे हमारा क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब क्षारों के साथ यदि प्रयोग किया जाता है, तो भी धारा बहती है, तो भी धारा बहती है, क्यों धारा बहती है, क्योंकि OH यहाँ ऋण आयन, या OH का ऋण आयन जो होता है बनता है, जिसके कारण से बल्ब जलता है, और यदि हम यानी अम्ल रखने पर बल्ब जलेगा, यहाँ बीकर में अम्ल है तो बल्ब जलेगा, क्षार है तो बल्ब जलेगा, यदि ग्लूकोज है, एल्कोहल है, और अशुद्ध जल है, डिजिटल वाटर है, तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कहने का मतलब है, प्रयोग का मतलब है, अम्ल और क्षार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि अम्ल और क्षार आयन को त्यागते हैं, ऋण आवेशित आयन में टूटते हैं और धन आवेशित आयन में टूटते हैं। आप इस प्रयोग को अपने घर पे कर सकते हैं, जिसे आप प्रयोग को करेंगे तो विज्ञान की समझ आपकी बहुत अच्छी होगी।